जय मसीह की। आत्मिक भोजन में आप सभी का स्वागत है। एफेसियों की किताब 14 अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या आपके बातें दूसरों को अनुग्रहित करती है? क्या आपके बातों से दूसरों के जीवन में आश्वासन मिलता है? ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, वो जब भी आए हैं, बात शुरू किए हैं, उनके चारों ओर लोगों की झुंडे देखा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके वाक्य से, उनके मुंह से निकली हुई हर एक शब्दों से उधर आए हुए सभी लोगों को चंगाई मिलती थी, आश्वासन मिलती थी। इसके वजह से लोग यीशु मसीह के चारों ओर जुड़ जाते थे। जब भी वो सुनते थे कि यीशु मसीह शहर में आया है, तो उनके आजू बाजू लोगों से भर जाते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह से सुनना चाहते थे, यीशु मसीह से चंगाई पाते थे। तो जब हम यीशु मसीह के चेले हैं, बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वो हमारे वजह से, हमारे बातों से, हमारे वार्तालाप से उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए, उनके जीवन में आश्वासन होना चाहिए। जब भी हम दूसरों से बात करते हैं, इस कोशिश कीजिए कि हमारी बातें उनको अनुग्रहित करें, हमारी बातें उनको, उनके दिल को आश्वासन दे, सुकून दे। तो वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस वाक्य जो हमने आज पढ़ा है, हमारे मुंह से कभी कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमारे मुंह से निकली हुई हर बात दूसरों को आश्वासन और सुख दे सके। तो ये ही आपका संदेश है आज। हमारे मुंह से निकली हुई हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के नाम की ऊंचाई करें, यीशु मसीह के नाम की स्तुति करें, और लोग कहें कि ये यीशु मसीह के बच्चे हैं, ये मसीही लोग हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।